रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। देखिए इस टीम के अंदर ये मैं मानता हूँ कि बैटिंग तो इतनी फायर पावर होती है इस टीम के अंदर कि इस मैं समझता हूँ कि इस आईपीएल की सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप है इस टीम की। लेकिन बॉलिंग की जब हम देखते हैं, बॉलिंग का कार्ड देखते हैं, तो फिर हमको दिखाई देता है कि ये टीम जीतने वाली नहीं है और इस साल भी ऐसा ही होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जो है वो डिजर्व नहीं करती प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। आप सोचिए खुद के आपने 23 करोड़ रुपए आपके पास बचे थे, उसमें 11.5 करोड़ के आपने अलजादी जोसेफ को लिया है। अलजादी जोसेफ को आप सोचिए, अलजादी जोसेफ वेस्ट इंडीज में ही नहीं खेलते, वो आरसीबी के लिए 11.5 करोड़ रुपए में हर मैच खेलेंगे। आपने कमाल कर दिया आरसीबी, ये तो मतलब ऑक्शन में जाने से पहले पता नहीं क्या ही सोचते हैं, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि आप बॉलर लेते ही नहीं है, स्पिनर भी कोई है नहीं। स्पिनर आप करण शर्मा खेलेंगे वो स्पिनिंग में, वही बात करूँ मैक्सवेल को खिलाना पड़ेगा, मतलब कराना पड़ेगा बॉलिंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस टीम किस लेवल की टीम है। ये बैटिंग में इतनी अच्छी है लेकिन बैटिंग से आप नहीं जीते ना। चिन्नास्वामी स्टेडियम मुकाबला होगा आपका, चिन्नास्वामी स्टेडियम में बॉलिंग चाहिए होगी। तो चलिए स्क्वाड देख लेते हैं, लेकिन स्क्वाड देख में आप देखेंगे तो बैटिंग में तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग है इस टीम की। तो देखिए फुल स्क्वाड देख लीजिए, ड्यू प्लेसी कप्तान है इस टीम के, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, विराट कोहली हो गए, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, श्रेयस प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोल, कर्ण शर्मा, मनोज भेंडेज, वाइसक विजय कुमार, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, क्रिस टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, मयंक डागर और कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन को ट्रेड किया है 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस के साथ। तो अब देखते हैं कैमरून ग्रीन जो है वो जो प्रेशर है वो क्या वो फिर से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा किया था, क्या वो इस साल भी आरसीबी के लिए कर सकते हैं। अगर आरसीबी के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत भी कर दिया तो काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है प्लेऑफ पहुंच जाएगी। लेकिन बॉलिंग की बात करें, देखिए इस साल के जो ऑक्शन में जो लिए गए हैं, सबसे पहले लिस्ट देख लीजिए, अलजादी जोसेफ को लिया है 11.5 करोड़ में, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्गुसन, शुभनेल सिंह, सौरभ चौहान। तो इस तरीके से आपने देखा आरसीबी की पूरी टीम को, स्क्वाड को आपने देखा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा हैरान करती है अलजादी जोसेफ ने, क्योंकि 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा उनको, और ये ऐसे बॉलर तो नहीं है कि 11.5 करोड़ में है, लेकिन ये तो बॉलर ऐसे हैं 4-5 करोड़ में ही आ जाते हैं। लेकिन 11.5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा रकम हो गई इनके लिए, ये ऐसा प्रेशर हैंडल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना तो इनको मिलता ही नहीं है। अब देखना ये होगा कैसे हैंडल करते हैं। बाकी दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार जो लिया है इन्होंने लॉकी फर्गुसन को, वो अच्छा लिया है क्योंकि 2 करोड़ रुपये में इनको लॉकी फर्गुसन मिल गए हैं। जिस लॉकी फर्गुसन की हम बात कर रहे थे 10.5 करोड़ तक 11 करोड़ जा सकता है, वो उसकी जगह पे यहाँ पे अलजादी जोसेफ के पीछे बहुत सारी टीमें भागी हैं। मुझे हैरान कर दिया सभी लोगों ने कि अलजादी जोसेफ को 11.5 करोड़ तक क्यों जाने दिया आपको, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये तो आईपीएल है, आईपीएल में जब 3-4 टीमें भागती हैं एक प्लेयर के पीछे तो वो 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ तक तो पहुँच ही जाती है रकम। तो देखना ये होगा कि अलजादी जोसेफ क्या करते हैं इस टीम के लिए, लॉकी फर्गुसन क्या करते हैं, टॉम करन का भी अच्छा बाय है यहाँ आरसीबी के लिए। तो देखना है क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।